आरपीएस ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि, मेरे साथ मौजूद है रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी, जिनसे जानते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दोस्तों जय शंकर की, मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जानते हैं आज का पंचांग और राशिफल। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज बृहस्पतिवार 1 दिसंबर 2022 है। विक्रम संवत 1979 राक्षस, शक संवत 1944 सुकृत। मार्ग से शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है, जो दिन के 7:21 तक रहेगी। तत्पश्चात नौवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय प्रातः 6:56 पर होगा, सूर्यास्त शाम को 5:24 पर होगा। पूर्वाभात पर नक्षत्र है, जो 2 दिसंबर को प्रातः 5:44 तक रहेगा। तत्पश्चात उत्तराभात पर नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। हर्षण योग है, जो दिन के 9:34 तक रहेगा। तत्पश्चात बद्रयोग प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे, चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:08 से 6:02 तक रहेगा। प्रातः संध्या का समय प्रातः 5:35 से 6:56 तक रहेगा। यह पूजन के लिए शुभ समय माना जाता है। कब्जीत मुहूर्त का समय है, दिन के 11:49 से 12:31 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे वह निर्विघ्न संपन्न होगा। अशुभ समय राहु काल का समय है, दिन के 1:28 से 2:47 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। हट बसित कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे आपके कार्य में दिक्कतें और कठिनाइयां आएंगी। हो सकता है आपका कार्य सफल न हो, इसलिए इस समय को टालें, शुभ समय का इंतजार करें। जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले जानते हैं प्रथम राशि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज धार्मिक कार्य में आपका धन अधिक मात्रा में खर्च हो सकता है। आपका स्वास्थ्य दोपहर के बाद डगमगा सकता है। लापरवाही ना बरते, तुरंत उपचार लें, ज्यादा बेहतर होगा। जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो अवश्य खरीदें, लाभ मिलेगा। लंबी यात्रा से परहेज करें, अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें, सर्दी की वजह से परेशान होना पड़ सकता है। जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने का मन मना रहे हों तो सुबह सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर अपना कार्य प्रारंभ करें, लाभ मिलेगा। अपने परिवार के व्यक्तियों से सामंजस्य बनाकर रखें, ये उत्तम होगा। जानते हैं अगली राशि कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज आप क्रोध के वशीभूत होकर कोई अनैतिक कार्य न कर बैठे, जिसका खामियाजा भविष्य में आपको भुगतना पड़ सकता है। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में रुचि बनाए रखें, बेहतर होगा। जानते हैं अगली राशि सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज के दिन आपको बहुत दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें, किसी के बहकावे में आकर विवाद ना पैदा करें जिससे आपको परेशान होना पड़ जाए। जानते हैं अगली राशि कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा किसी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए हितकर नहीं होगी। जानते हैं अगली राशि तुला राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज लंबी यात्रा करने का विचार बना रहे हैं तो अपनी यात्रा रद्द रखें, यदि अति आवश्यक हो तो कुछ पूर्ण का कार्य करने के पश्चात करें। जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज राजनीतिक व्यक्तियों के लिए दिन विशेष महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, जिन्हें गिफ्ट या उपहार मिलने के योग हैं। व्यापारी वर्ग का दिन सामान्य रहेगा। जानते हैं अगली राशि धनु राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज किसी कार्य में ज़्यादा सोच विचार न करें, यदि कार्य करने का मन बना ही लिया है तो अवश्य अपना कार्य प्रारंभ कर दें। कार्य में सफलता सुनिश्चित है। पत्नी या किसी महिला से विवाद करना ठीक नहीं है, क्योंकि दिक्कत आ सकती है। जानते हैं अगली राशि मकर राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज नशीले पदार्थों से पूर्ण सावधानी बनाए रखें, नशीले पदार्थों के कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है या धनहानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए पूर्ण सावधानी बरतने की आवश्यकता बनाए रखें।
यही आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज का दिन आपके लिए कठिनाइयों से भरा रह सकता है। अपने रिश्तेदारों या मित्रों से मेलजोल बनाकर रखने की आवश्यकता है। लापरवाही या विवाद की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जानते हैं अगली राशि यानी अंतिम राशि मीन राशि के जातकों का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। आज महिला वर्ग को अपना धन संभाल के रखना होगा। चोरी जा सकता है या खो सकता है या आपके हाथ का पैसा अनावश्यक कार्यों में खर्च हो सकता है। पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता बनाए रखें, ये उचित होगा। ज्योतिष परामर्श के लिए रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से संपर्क करें 9453551111। इस पर प्रत्येक दिन रात्रि 10 से 11 बजे तक।